ਪ੍ਰੋਪ ਪਟੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈਗ ਸੂਟ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬਲੈਕ ਆਉਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ दोस्तों मैं अभी म्यूज़िक सुन रहा था अपने फ़ोन के ऊपर और आप भी अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते होंगे काफ़ी सारे मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे म्यूज़िक सुनना, इंटरनेट यूज़ करना, फ़ोन करना और सुनना तो है ही, इस चीज़ के अंदर मैसेजिंग के लिए दुनिया भर की ऐप्स, कैमरा वगैरह। तो ये तो बात समझ में आ गई है कि आज की तारीख में जो स्मार्टफोन्स हैं वो ना जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्मार्टफोन्स की जो दुनिया है वो काफ़ी वाइड हो गई है और 2018 के अंदर तो जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं शायद ही 2017 या 2016 या 2015 के अंदर हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला ईयर ये बन चुका है और एक से कमाल फ़ोन आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ मिड रेंज के अंदर तो एकदम से बाढ़ सी आ गई है, 5000 से लेकर 15000 तक के फ़ोन्स के अंदर अब इतने सारे आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं और कैमरा भी बढ़िया, बैटरी बैकअप भी बढ़िया, प्रोसेसर भी अच्छा, स्टोरेज भी कमाल की। सो आज तो हम बात करने वाले हैं डिटेल में इन स्मार्टफोन्स के बारे में। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। और चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक नया स्मार्टफोन खरीदने का तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ अपने मन की बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है आपने कुछ टाइम पहले ही स्मार्टफोन लिया हो और दोबारा से आपका मन कर रहा है कि मैं एक और स्मार्टफोन ले लेता हूं, या फिर पुराना हो चुका है मेरा, इतनी जल्दी पुराना स्मार्टफोन मतलब जो एक साल पहले लिया है कि नया लेने का टाइम आ गया है। गलती इसमें दोस्तों आपकी नहीं है, मॉडल्स ही कुछ इतने ज़्यादा निकल रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ तो किसी ने Asus का Zenfone लिया है तो अब Realme 2 Pro निकलने के बाद उसको लगता है कि अरे मैंने Asus का Zenfone लिया, अब तो Realme 2 Pro उससे बेटर आ गया है तो उसको क्यों ना ले लिया जाए। ऐसा ही कुछ हो सकता है जिन्होंने Redmi का फ़ोन लिया है तो नया मॉडल आ चुका है, नॉच वाले फ़ोन आ चुके हैं जिनके पास नॉच वाला नहीं था, जिसके पास 16:9 का रेशो था उनका 18:9 का आ गया, जिनका 18:9 का था उनके पास नॉच वाला 19:9 का रेशो आ चुका है। तो कंपनियाँ ही इतने कमाल के फ़ोन लेके आ रही हैं कि एक के बाद एक आदमी कंफ्यूज ही होता जा रहा है। लेकिन आज हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आज मैं सड़क पे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों के पास आज भी वही फ़ोन है जो थोड़ा सा पुराना, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना जो फ़ोन चल रहा था। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है दोस्तों कि आज भी उस फ़ोन के अंदर जो नॉर्मल काम है वो सारे हो जाते हैं, मतलब कि फ़ोन करना, फ़ोन सुनना, कैमरा की ठीक ठाक मतलब कि पिक्चर क्वालिटी का आ जाना और नॉर्मल से गेम वो खेल लेता है इसके अंदर। तो सवाल ये उठता है कि हमारे को नए फ़ोन की ज़रूरत क्यों है? थोड़ा सा प्रोसेसर का बढ़ जाना, अच्छा कैमरे का हो जाना, अच्छा स्टोरेज हो जाना, लुक एंड फील थोड़ा सा अच्छा हो जाना, यही चीज़ें हैं जो हमें एक टैम्पटिंग मतलब बना देते हैं कि अरे ये फ़ोन नया आया है तो ये वाला फ़ोन हम ले लेते हैं। अगर आज नया फ़ोन लेने के आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को सोचिएगा कि जो करंट में आपका फ़ोन है क्या वो आपको 80% और 90% जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर देता है। अगर सच में वो आपकी 80-90% रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है तो ट्रस्ट में आपको अभी फ़ोन चेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो 5000 से लेकर 15000 के बीच में फ़ोन को खरीदने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि जो लोग 1,00,000 रुपये का फ़ोन खरीदते हैं या 50-60,000 से ऊपर का फ़ोन खरीदते हैं ना, उनके लिए खास पैसे की इतनी वैल्यू इतनी होती भी नहीं। उनका अगर 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये का फ़ोन आ भी जाता है फिर दूसरा फ़ोन ले भी लेते हैं तो उनको खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 10-12,000 रुपये का फ़ोन लेता है ना दोस्तों, उसके लिए वो 10 या 12,000 रुपये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो शायद 1,00,000 रुपये वाले के लिए नहीं होंगे। तो ऐसे में अपने पैसे की वैल्यू जो है, जो आप पैसा खर्च करते हैं उसका पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रही बार मार्केट की अगर बात करूँ तो पहले आएगा नोकिया, नोकिया के बाद मतलब कि वो इतना नहीं चलेगा तो माइक्रोमैक्स आ जाएगा, माइक्रोमैक्स नहीं चलेगा तो फिर एक दिन रेडमी आ जाएगा, रेडमी इतना नहीं चलेगा तो आसूस आएगा, आसूस आएगा रियलमी आएगा, रियलमी के बाद पता नहीं कल कौन सा ब्रांड मतलब आ जाएगा। हालांकि हो सकता है ब्रांड जो ये सोचेंगे कि भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अल्टीमेटली बात यह है कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन ऐसे कंज्यूमर हमारा ये सोचना बनता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग भी तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एज ए कंज्यूमर ये सोचना, और मेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैंने चैनल बनाया है तो मेरे सब्सक्राइबर को जो है वो मैं बता सकूं एक्चुअल में कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। सो दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ियों की सेल जो है वो अप एंड डाउन हुई है, बड़े बड़े ब्रांड्स की सेल जो है अप एंड डाउन हुई है 2018 के अंदर, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर है जो कि एक फ़ोन को पसंद या नापसंद करता है। सो क्या एक्चुअल में रियलिटी में हमें फ़ोन बदलने की ज़रूरत है? त्योहारों का टाइम है, आप सभी लोग प्लान कर रहे होंगे एक नया फ़ोन लेने की। तो अगर मेरा ये वीडियो आपका ज़रा सा भी पैसा बचा सकता है या फिर आपको एक सही फ़ोन दिलाने में आपकी गाइड कर सकता है, जो कि मैंने और भी फ़ोन के बारे में बताया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे और वीडियोस भी देख सकते हैं, बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000 या अंडर 6,000, तो उसका भी मैंने वीडियो निकाला है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।
बाकी आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका आने वाला साल भी बहुत अच्छा हो। और अगर वीडियो आपको आ गया है पसंद तो दोस्तों ज़रूर लाइक दबाइएगा बटन और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा।